हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज प्रोड्यूस करने के बाद, चार्ज डेवलप करने के बाद हम चार्ज को एक जगह स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम उस चार्ज को किसी सर्किट में, किसी केबल के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कराते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, अपने लेक्चर में बताया, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ डैम का और रिवर केनाल का। डैम में वाटर स्टोर करते हैं, दैट इज चार्ज, लेकिन जब उस वाटर को केनाल के थ्रू फ्लो कराते हैं, दैट इज करंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का मोशन कंडीशन पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज करंट। ये सब आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, इस क्लास में आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। करंट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टी इज टाइम। तो ऑब्वियसली इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट थ्रू एनी सर्किट और थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करेंट, एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करेंट। एंड देन डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यदि हमको 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो कैसे हम 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे? इस फार्मूला में चार्ज और टाइम को यूनिट ले लेंगे। इफ चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, देन करेंट आई इज 1 एम्पियर। दैट मीन्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन इट्स करेंट इज 1 एम्पियर। यदि किसी सर्किट में 1 एम्पियर का, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो, तब हम उसके करेंट को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर? यह हुआ करंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, आपके दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे डैम का वाटर केनाल में क्यों फ्लो होता है? क्योंकि डैम के वाटर के पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो हाइट में होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम केनाल के गेट को, डैम को गेट को ओपन करते हैं, तो वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। सिमिलरली, यदि हमको किसी सर्किट में करंट फ्लो कराना है, तो पहले तो हमारे पास स्टोर ऑफ चार्ज होना चाहिए, चार्ज स्टोर होना चाहिए। डैम में वाटर ही ना हो तो केनाल में क्या वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह फिर हमारे पास सोर्स ऑफ चार्ज, चार्ज का सोर्स क्या है और कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको सर्किट में फ्लो कराता है? क्योंकि मोशन के लिए फिजिक्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा सके, ना लगाए, है ना? आपको पता है कि फोर्स लगाने से ही रेस्ट बॉडी मोशन में आता है। तो यहाँ पर कौन सा, तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मेरा आपको सजेशन है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट फॉर्म में आगे हम लोग इसको बोला करेंगे ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके फार्मूला पर डिस्कस करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक फार्मूला आप और पढ़ चुके हो, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्या पोटेंशियल, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दैट मीन्स यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, दोनों का फार्मूला सेम है। तो यहाँ से स्टूडेंट के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है। तो दोनों में बहुत शार्प डिफरेंस है। यहाँ पर मैं दोनों के शार्प डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसको समझाऊँगा, और आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इस साइड में लिख देता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों आप अच्छे से समझिए। कंपेरेटिव बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको दोनों में जो डिफरेंस है और दोनों में जो सिमिलरिटी है वो अच्छे से समझ में ना आए, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में हमेशा प्रॉब्लम आएगा।
अब यहां पर पहले हम इसका डेफिनेशन देख लें। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिट देन ई इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज पर जो वर्क होता है वही वर्क क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और यहां पर भी यूनिट चार्ज में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन दोनों के वर्क के सिस्टम पर डिफरेंस है। एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव आर फ्लो, यहां मूव नहीं कहेंगे फ्लो, यूनिट चार्ज थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट। देखिए दोनों के डिफरेंस को मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिए। यहां पर क्या होता है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, सपोज ये हमने कोई रजिस्टर लगाया, यहाँ पर रजिस्टेंस लगाया और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया, ये अब ये बैटरी के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और यूनिट चार्ज को इस क्लोज्ड सर्किट में, यूनिट चार्ज को इस क्लोज सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस सर्किट में होगा, क्लोज्ड। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इन क्लोज सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इन ओपन सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप कभी नहीं भूलिए कि कभी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात होगी तो क्लोज सर्किट में वर्क करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस का बात होगा तो किस में होगा, ओपन सर्किट में होगा। क्लियर। अब नेचुरली आप देखिए, इसके पास ये एक रजिस्टर है तो रजिस्टर के पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रजिस्टेंस मीन्स यूजर ऑफ द करेंट, वहां पर हम कोई बल्ब लगा सकते हैं, कोई डिवाइस लगा सकते हैं। अब यहाँ सीधी सी बात है, आपको जैसे पता है कि डैम हाई पोटेंशियल में होता है और केनाल लो पोटेंशियल में होता है, इसलिए डैम का वाटर केनाल में फ्लो होता है। नेचुरली यहाँ पर भी आप देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यदि पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, तभी इसमें करेंट फ्लो होगा, क्योंकि डैम हाई लेवल में होगा। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा कि करेंट और चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। Therefore, in this condition, the electromotive force is greater than V, then circuit is closed. Circuit closed होने का मतलब होता है कि जैसे, एक important बात आप ध्यान से सुनो, generally जब students का proper concept clear नहीं होता तो वो closed circuit और open circuit में क्या difference समझता है, वो समझता है कि switch मैं on कर दिया और circuit closed हो गया, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है, ये partially right है। कैसे, suppose मैं यहाँ पर switch on किया और यहाँ बल्ब लगा है वो नहीं जला, तो क्या सर्किट क्लोज है, नहीं है, वो ओपन है। फिजिकली तो क्लोज्ड है, फिजिकली हमने सर्किट को पूरा कनेक्ट कर दिया, कहीं से वो डिस्कनेक्ट नहीं है, बट इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सर्किट को हम क्लोज नहीं बोलेंगे। मतलब क्लोज सर्किट होने के लिए उस सर्किट में करंट का फ्लो होना आवश्यक है। क्लियर। जैसे आप देखे होंगे कि घर में कभी पावर प्रॉब्लम हो जाए, यदि वोल्टेज कम आने लगे तो घर का CFL तो जलता है लेकिन ऐसी काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसके लिए जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो AC का सर्किट ओपन हो गया और बल्ब का सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। दैट मीन्स किसी सर्किट में जब तक करंट फ्लो नहीं होगा उस सर्किट को हम क्या नहीं कहेंगे, क्लोज नहीं कहेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्लोज सर्किट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल नोट लिखा दूँ, ये नोट आप कभी नहीं भूलिए, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूरे कॉन्सेप्ट में काम आएगा। फर्स्ट, If electromotive force is greater than potential difference, then circuit is closed. Second, if electromotive force is equal to potential difference, then circuit is open. Clear? आप imagine करिए कि dam का water और canal दोनों equal level में हो तो क्या water flow होगा, नहीं होगा। Similarly, जब किसी device में लगे हुए battery का electromotive force उस device में लगे हुए instrument के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो तो सर्किट क्या होता है, ओपन होता है, और लेस देन में तो ओपन ही होगा। थर्ड कंडीशन इज
इफ ई इज लेस देन वी देन सर्किट इज ओपन। तो ये बात आप ध्यान रखना कि किसी भी सर्किट के क्लोज और ओपन होने के लिए क्या कंडीशन होता है। क्लियर? लोअर क्लास में हम स्टूडेंट को समझा देते हैं कि सर्किट को क्लोज किए, स्विच ऑन किए, सर्किट क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हायर क्लास में जाके उसके डेप्थ के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सर्किट क्लोज तब होता है जब उस सर्किट से करेंट फ्लो हो रहा हो। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में। ये डिफरेंस को आप प्रॉपर समझेंगे, इसी पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्लियर? अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब किसी कंडक्टर में करेंट फ्लो होता है तो करेंट फ्लो कैसे होता है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट होता क्या है। एक्चुअल में जब किसी सर्किट में चार्ज फ्लो होता है तो उसमें क्या फ्लो होता है, ऐसा क्या चीज है जो उसमें फ्लो होता है, मूव करता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं अपने लैंग्वेज में हीरो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूँ। जैसे किसी फिल्म का कोई हीरो होता है, पूरी स्टोरी उस हीरो के कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, उसी तरह से मैं हमेशा अपने क्लास में हमेशा डिस्कस करता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन इज द हीरो, मेन एक्टर ऑफ द करेंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन नहीं कर सकते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, बाद में जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे सेमीकंडक्टर वगैरह में तो उस कॉन्सेप्ट को मैं और बहुत डेप्थ में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं बताऊँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है। देखिए, हमको ये बात सबको पता है कि कंडक्टिविटी के बेस पर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के बेस पर मेटल्स के थ्री टाइप्स हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये एक्चुअल में होते क्या हैं? इतना सबको पता है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता, लाइक प्लास्टिक, वुडन, ग्लास। सेमीकंडक्टर का नेचर क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशन में वो कंडक्टर है, कुछ कुछ कंडीशन में इंसुलेटर है। तो ये मटेरियल के पास इस तरह की प्रॉपर्टी आई क्यों, तो ये प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस पर तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा एक सेपरेट और बहुत बड़ा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर थोड़ा बात करना अच्छा नहीं है, तब हम इस पर बाद में अच्छे से बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग होती है, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर पर बात करूँ तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि कंडक्टर मटेरियल, सपोज अपने पास कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रिक का कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, इस दुनिया में ऐसा कोई मैटर नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, यदि वो मैटर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो जब किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और उसके पास ना हो तो नहीं करता। इसका मतलब क्या बात क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में मेन रोल किसका है, फ्री इलेक्ट्रॉन का है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है, एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो होता क्या है। मैं इस चैप्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट, देखियो मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया कि करंट, इलेक्ट्रॉन ये विजिबल नहीं है। जैसे हम आपको मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि मोशन ऑफ द ट्रेन, मोशन ऑफ द कार, तो आप इमीडिएट इमेजिन कर लेते हो कि आपने कार देखा है, आपने ट्रेन देखा है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द चार्ज तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि चार्ज मैंने देखा है ना, आपने देखा है ना, किसी साइंटिस्ट ने देखा है, इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, किस ऑर्बिटल में है, उस सब ऑर्बिटल में है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज है साइंस में, फिजिक्स में, जो देखा नहीं गया है लेकिन उसके सारे करेक्टरिस्टिक्स पता है, इससे अजूबा और कुछ नहीं हो सकता। जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं उसका सब चीज पता है। तो कंप्लीट इमेजिनेशन पर हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि एक्चुअल में करेंट फ्लो कैसे हो रहा होगा। तो मैं हमेशा जब इस चैप्टर की स्टार्ट करता हूँ तो मेरी एक कोशिश होती है
कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इमेजिनेशन के उस लेवल पर ले जा सकूं जहां पर वो इमेजिन कर सकें कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, कहां आ रहे होंगे, किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे, कैसे कोलिजन कर रहे होंगे। तो यहां पर मेरी कोशिश है कि मैं आपको इमेजिनेशन के उस स्टेज पर पहुंचा दूं जहां पर जिस तरह से मैं इमेजिन कर रहा हूं आप भी इमेजिन करिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है, देखिए आपको पता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, आप सबको पता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूलम्स लॉ से यदि अपन देखें तो जैसे जैसे न्यूक्लियस इसका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जैसे 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 हम दूर जाते जाते हैं तो इनके बीच का क्या हो जाता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है पुअर होता जाता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि ये लूजली बाउंडेड होते हैं। तब फिर बिहेवियर कैसे करते हैं, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतने फ्री हैं कि अपने ऑर्बिटल को छोड़ के कहीं भी घूमने फिरने चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, वो रहते हैं अपने ऑर्बिटल में ही हैं, लेकिन इनके मोशन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्वांटम प्रिंसिपल का जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो क्वांटम नंबर को, मतलब वो अपने ऑर्बिटल को, सब ऑर्बिटल को, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब फॉलो नहीं करता। तो फिर क्या करता है, ये जिग जैग पाथ में इसका मोशन इस तरह से होता है, ये जिग जैग पाथ में ऐसा मोशन करते रहता है। इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन नाम साइंटिस्ट ने बताया था, इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और यहाँ पर सपोज ये कि इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर देखो हर जगह यहाँ यहाँ पर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मालूम है क्यों कर रहा है चेंज अपने डायरेक्शन को, यहाँ पर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर रहा है, टकरा रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरह से मोशन करते रहते हैं, फिर जाके किसी टकराते हैं, फिर इधर चले जाते हैं। फिर आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर में एक कॉमन स्क्रीन सेवर है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कॉमन स्क्रीन सेवर होता है, आप उसको यूज़ किए होंगे, उसमें छोटे छोटे बाल आपने देखा होगा, वो बाल ऐसे जाते हैं, फिर दूसरे बाल टकराते हैं, फिर इधर जाते हैं। आप उस स्क्रीन सेवर के पिक्चर को देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मोशन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मोशन करते, वो किसी से कोलिजन ना करें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सीधे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, रास्ते में किसी टकराता है, फिर इधर चले जाता है, फिर इधर चले जाता है, इस तरह से वो जिगजैग पाथ में मोशन करते रहता है। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इसमें आगे मैं और आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए कि सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ये मैं कॉपर का वायर लिया, सपोज आप इमेजिन करिए ये कॉपर का एक वायर है और इस कॉपर के वायर को मैंने एक की और एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये कॉपर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास कंडक्टर है वो। अब ये कॉपर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह से मोशन कर रहे हैं, मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं कि करंट फ्लो कैसे होता होगा। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुन ले तो मैं चैलेंज करता हूं कि आज के बाद आपको करंट में सर्किट में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा ऐसे जा रहे हैं करके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी कॉपर के पास है। अभी मेरा सर्किट मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, मतलब स्विच ऑन नहीं किया है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जिग जैग पाथ में जिधर जा रहे हैं उधर मोशन कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे हम यहाँ स्विच ऑन किए, जैसे स्विच ऑन किए तो होता क्या है, ध्यान से ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग पाथ में जिधर पा रहे थे उधर जा रहे थे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण उधर अटैक होने लगते हैं और इनका जिगजैग पाथ है कि स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाता है और इस तरह से ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करने लगते हैं इस तरह से। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते करते ये बैटरी के पास पहुँच जाते हैं और इधर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बैटरी का जो ये निगेटिव टर्मिनल है वो अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, सप्लाई करता है। इसीलिए आप देखे होंगे बैटरी डिस्चार्ज होता है, कंडक्टर डिस्चार्ज नहीं होता है। इमेजिन करो कि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाता तो कितनी मुश्किल हो जाती। हम बाजार से कंडक्टर लाते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिफिकेशन कराते हैं, उसका उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है कॉपर वायर के पास, सपोज उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे जब हम नया वायर खरीद के लाए,
कुछ दिन बाद यूज होते 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 हमारे कॉपर के फिलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते, तो क्या करना पड़ता, पूरी घर की वायरिंग चेंज करनी पड़ती। लेकिन वो अपने फिलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं करता, वो क्या करता है, उसकी सप्लाई बैटरी करता है, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज होता है। हम अपने मोबाइल के बैटरी को चार्ज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल के बैटरी को यूज़ करते हैं तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं डिवाइस में, लेकिन हमारे मोबाइल का फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट बना रहता है। इसके बाद जब हमारे मोबाइल का बैटरी का फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं। तो चार्जिंग में फिर क्या करता है वो, जो घर में अल्टरनेटिंग करंट है, आगे के चैप्टर में समझाऊंगा मैं उसको, वहां से करंट रिसीव करके, दैट मीन्स बैटरी इज द स्टोरेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिस तरह से डैम में वाटर स्टोर है, उसी तरह से क्या होता है, बैटरी में क्या स्टोर है, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टोर है। जैसे बांध में पानी है तो वैसी बैटरी के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इस तरह से करंट सप्लाई होता है। तो आज के बाद कभी भी आप स्विच ऑन करिए तो आप इमेजिन करिए कि आपका कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहे थे वो सीधा चलने लगे। ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल है लेकिन अभी इसमें डिसिप्लिन नहीं है, आपस में ये टकरा के मर रहे हैं और अपने करंट को सो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रेगुलर लाइफ में भी ऐसी होता है, हमारे पास पोटेंशियल होता है लेकिन जब हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, जिग-जैग पाथ में जाते रहते हैं अपने लाइफ में, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो हम करंट की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन यदि कोई हमको अट्रैक्ट करे, इस बैटरी की तरह कोई पावरफुल चीज़ हमको अट्रैक्ट करे, दैट मीन्स हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, ये हमको उस बैटरी की तरह अट्रैक्ट करें, तो जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो काम के नहीं थे, बकवास थे, वो करंट बन गए। हमारे लाइफ में भी ऐसी होता है, यदि हम इस तरह के बिहेवियर में हैं और हमको कोई पावरफुल बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो हम ही सिस्टमेटिक अरेंज हो जाते हैं और करंट की तरह पावरफुल चीज बन जाते हैं। क्लियर? आपको आगे बात समझ में? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत मजेदार चीज है। आप, मेरी कोशिश है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को बर्डन की तरह मत पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी को आप इंजॉय करिए। वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, वो इंजॉयमेंट है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं कि जब ये जिग-जैग पाथ में मोशन करते हैं इसमें किस तरह के बिहेवियर होते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी स्मॉल डी से। ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन करते हैं जिग-जैग पाथ में। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने मोशन स्टार्ट किया, सपोज ये स्टार्ट किया यहां से, अब वो यहां पहुंचा और एक और इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, टकराया। अब ध्यान रखना, यहां का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ये इलास्टिक कोलिजन होता है। आगे आपको इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 11th में आप पढ़े होगा, आप 11th में पढ़े उसको ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, दोनों टकराते हैं और टकरा के फिर अलग हो जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टकराते हैं और चिपक के चलते हैं, तो टकराने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा। तो ये टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब लगातार, ये टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इसका एवरेज वेलोसिटी होता है, यही क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आप बहुत सारे राइटर के बुक, आप हरे राइटर के बुक्स पढ़ेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाएगा कि आपको पता ही चलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, दैट मींस क्या हो जाएगा, वीडी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज इस कंडीशन में उसको रेस्ट मानते हैं। इलेक्ट्रॉन नेवर कैन बी इन रेस्ट कंडीशन, बट फिजिक्स कहता है कि जिस टाइम में वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है उस टाइम कुछ देर के लिए रुकता है, दैट इज इट्स रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं, लेकिन जब वो डायरेक्शन चेंज करता है तो हम इमेजिन करते हैं कि उसने पहले रेस्ट में वो आया फिर डायरेक्शन चेंज किया। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन टू, ये कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखिए, रिलैक्स होने का टाइम मतलब आराम करने का टाइम। तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन दो बार जब टक्कर करता है तो एक बार रिलैक्स होता है, वो रुकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि एक बार टकराया फिर दोबारा टकराता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, वो आराम करता है।
दैट इज रिलैक्सेशन टाइम एंड रिप्रेजेंटेड बाय टाउ और टा। तो रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन क्या हुआ? टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और ये होता है वीडी, ये टा। अब यहां पर एक छोटा सा हम फार्मूला देखेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी एंड आई। रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, ये रिलेशन होता है ये आई इक्वल एन ई ए इंटू वी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और अभी हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। आई इज करेंट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये जो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं। ई इज चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। ए इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। सपोज ये मार्कर मेरा कंडक्टर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज ये अपने पास एक कंडक्टर वायर है, क्लियर, और इसमें हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वी डी है। इसको हमने किसी सर्किट पर कनेक्ट कर दिया तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? सपोज आई है। ये सब हम कंसीडर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम। छोटा सा डेरिवेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहा है। तो यूनिट टाइम में क्या होगा? जितना इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा और जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, मतलब एन ए इंटू वी डी यूनिट टाइम में। ये क्यों होगा इतना? क्योंकि यूनिट टाइम में उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट हैं, उतना उसका एरिया है, और यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस हो जाता है, दैट मीन्स ये वॉल्यूम हो गया। तो यह हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टाइम, टी टाइम में क्या हो जाएगा? एन ए वी डी इंटू टी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में इतना है तो टी टाइम में टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। यूनिट टाइम में वो तो टी टाइम में इतना। सिंस चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में ई चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में जो टी टाइम में फ्लो हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे ना यहां पर, इतना इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन टी टाइम। चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? इंटू ई, क्लियर। तो देयर फॉर टोटल चार्ज, देयर फॉर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन ए वी डी टी इंटू ई। ये हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। देयर फॉर करेंट, अब चार्ज जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? करेंट, तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T, दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो I इक्वल टू N A वी डी टी इंटू ई अपॉन टी। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, T कैंसल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ में कैंसल हो गया, तो अपने को रिलेशन क्या मिल जाएगा? दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू N E A इंटू वी डी। ये हो जाएगा करंट और डेप्थ वेलोसिटी में रिलेशन जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था। और एक इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, दैट मींस टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर के यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में, वायर के यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में जितना करंट फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका करंट डेंसिटी कहते हैं। और इस फार्मूला को यदि हम करंट डेंसिटी के फार्म में लिखना चाहें तो आप आई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई
इंटू वी डी और इसको हम लिख सकते हैं जे, तो एन ई वी डी ये हो जाएगा करंट डेंसिटी और डिप्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आगे हम जब आके डेरिवेशन में काम आएगा, क्लियर। तो रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई इज आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज द हार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जान है ये। जैसे इसे पहले वाले चैप्टर में जो रोल कूलम्स का था, जो रोल गास का था, हर चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारे ब्रेन में सीधा आता है ओम, ठीक है। तो ओम्स लॉ अपन पढ़ते हैं। ओम्स लॉ को हम थोड़ा सा टेंथ क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमको उसको डिटेल में पढ़ना है। डेफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन डेरिवेशन हम देखेंगे यहाँ पर। ओम्स लॉ ओम ने क्या बताया था, ओम का स्टेटमेंट क्या है, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेनिंग अनचेंज, दैट मीन्स हमारे पास कोई कंडक्टर हो उसका फिजिकल कंडीशन, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर प्रेशर लेंथ एरिया सब क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसमें जो करंट फ्लो कराया जाता है और उसके दोनों टर्मिनल में जो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेनिंग अनचेंज देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करेंट। दैट इंप्लाइज इसको आगे हम सॉल्व करें तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट इज आर, एंड हियर आर इज नोन एज रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं आर को, जो कि एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो यहाँ से आर का डेफिनेशन क्लियर हो जाता है। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के पाथ में एक रुकावट, जिस तरह से रोड में स्पीड ब्रेकर होता है हमारी स्पीड को कम कर देता है, वैसे रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो करंट के फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट इट्स यूनिट इज ओम। ओम इसका यूनिट है, जिसको हम इस तरह से ये ओमेगा अल्फ, जो ओमेगा लेटर है किसका, ग्रीक लैंग्वेज का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसको हम रीड करते हैं ओम। एक्चुअली में है ये ओमेगा, लेकिन हम इसको रीड क्या करते हैं, ओम, क्लियर। तो अब ओम, वन ओम का डेफिनेशन करना चाहें अपन, तो वन ओम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट ले लो, इफ वी इक्वल टू वन वोल्ट एंड करेंट इज वन एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज वन ओम, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका, देखिए, इफ वन एम्पियर करेंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज वन वोल्ट देन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज वन ओम। यदि एक एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा हो और उसके दोनों टर्मिनल के बीच में वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब उसका जो रेजिस्टेंस है कितना होता है, वन ओम होता है, क्लियर। ये हो गया ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, लेकिन यहाँ हमारा भी काम खत्म नहीं होता। इसमें है ओम्स लॉ का प्रूफ। अब हमको करना है प्रूफ ऑफ द ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसका प्रूफ मैं करा रहा हूँ डेरिवेशन, तो प्रूफ करने के लिए मैंने इसके लिए सबसे पहले एक वर्किंग स्टेप बनाया है। ये वर्किंग स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। वर्किंग स्टेप्स मतलब कोई भी बड़ा फार्मूला डिराइव करना है, यदि फार्मूला का लेंथ 10 स्टेप 15 स्टेप से ज़्यादा हो, तो मैंने हर डेरिवेशन के लिए कुछ स्टेप्स बनाए हैं, की पॉइंट। यदि आप कुछ स्टेप्स को अपने दिमाग में रख लें तो डेरिवेशन आप ऐसी चुटकी में तैयार कर लेंगे। तो आपको स्टेप को पहले समझना है कि हम क्या क्या स्टेप से जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्किंग स्टेप में हम यहाँ 5 फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट E इक्वल टू वी अपान एल, ये हमको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपान लेंथ होता है, क्लियर। ये हम फार्मूला पहले से पढ़ें। सेकंड F इक्वल टू ई इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई इंटू ई, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपान मास, न्यूटन्स लॉ से फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एंड फोर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड फिफ्थ इज
आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। अब देखिए कैसा मैजिक वाला ये स्टेप है, आपको बिल्कुल एक मिनट में मैं आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपको करा दूंगा यदि आप ये स्टेप ध्यान रखेंगे। ई निकालेंगे, यहाँ पुट अप कर देंगे, क्लियर। फिर क्या निकल जाएगा, एफ, एफ को यहाँ पुट अप कर देंगे, ए निकलेगा यहाँ पुट अप कर देंगे, यहाँ वी मतलब वी डी निकलेगा, इसको यहाँ पुट अप कर देंगे और आगे प्रूफ हो जाएगा। आगे समझ में आपको, ये है वर्किंग स्टेप। ई यहाँ पुट होगा, एफ यहाँ पुट होगा, ए यहाँ पुट होगा, वी डी, नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ। तो यह है इसका वर्किंग स्टेप या की पॉइंट है इसका। कभी भी आप ओम्स लॉ का प्रूफ को रिवाइज करेंगे तो आप इसको रिवाइज करें, उसके बाद तो आपके लिए दो मिनट का काम है। देखिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर वगैरह लिखने के बाद सीधा लिखेंगे आप, सिंस वी नो दैट ई इक्वल टू वी अपॉन एल, बट एफ इक्वल टू ई इंटू ई, दैट इंप्लाइज एफ इक्वल टू, अब इस वैल्यू को यहाँ ला के पुट कर देंगे तो हो जाएगा ई इंटू वी अपॉन एल, ये वैल्यू यहाँ पुट अप हो गया, क्लियर। देयरफॉर एक्सेलरेशन एफ ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, दैट इंप्लाइज सिंस, लिखे यहाँ पर सिंस ए इक्वल टू, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू, अब एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ई वी अपॉन क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ आके पुट हो गया तो ई वी अपॉन एल ये हो गया। बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ ध्यान देंगे दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है ऑर्डिनरी वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी की जगह क्या लिख दिया है, वी डी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ये हमने निकाला है तो ई वी अपॉन एम एल, और यहाँ पर टी ऑर्डिनरी टाइम नहीं बल्कि क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर पुट हो जाएगा क्या, टा, क्लियर। दैट मीन्स वी डी इक्वल टू ई वी टा अपॉन एम एल, बट वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। अब हम क्या करेंगे, वी डी का वैल्यू यहाँ पर लाके पुट अप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज आई इक्वल टू एन ई ए, वी डी का वैल्यू हो जाएगा ई वी टा अपॉन एम एल। दैट इंप्लाइज हमको ओम्स लॉ प्रूफ करना है। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी अपॉन आई आर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वी अपॉन आई को हम सेपरेट करेंगे, वी अपॉन आई, ये आई को हम उधर ट्रांसफर करेंगे किसके साथ, वी के साथ, और बाकी जो क्वांटिटी है उसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, वी अपॉन आई इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर होकर हो जाएगा एम एल अपॉन ई इंटू ई, ई स्क्वायर हो जाएगा तो एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए इंटू टा, क्लियर। अब ओम ने बताया कि ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट, उन्होंने इसको कांस्टेंट लिया और उसको रिप्रेजेंट किया किससे, आर से। दैट मीन्स हियर आर इक्वल टू, ये जो मैंने राउंड किया है, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा। तो आज के बाद आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है इतना होता है, दिस इज रेजिस्टेंस, मतलब एक्चुअल में रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टा के इक्वल होता है, क्लियर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वी अपॉन आई इक्वल टू आर, देयरफॉर वी इक्वल टू आई इंटू आर, देयरफॉर वी प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज ओम्स लॉ। ये प्रूफ हो गया, ये जो हमने ओम्स लॉ जो स्टेटमेंट देखा था वो यहाँ पर क्या हो गया, डिराइव हो गया, क्लियर। तो ये होता है वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई प्रूफ एंड अ कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यदि आपको एग्जाम में ये बोले कैलकुलेट रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेडिंग से मैंने वहाँ पर जो बॉक्स में निकाला वो निकालोगे या प्रूफ ओम्स लॉ बोलेगा तो यहाँ तक करोगे। ये होता है ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के फैक्टर पर डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमको पता चलता है जो यहां से अपन देखेंगे, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी।
इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, आर से कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग होता है, तो उस फार्मूला को आप देखिए कि यहीं पर मैं डिस्कस, चलो इसको एक बार यहां पर भी लिखता हूं मैं, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू डा, क्लियर। फर्स्ट फैक्टर इज आर, अब यहां पर देखिए एम पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, एम क्या है यहां पर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उस पर कोई फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इफेक्ट उस पर होगा जो चेंज होगा, तो एम तो चेंज होना नहीं है, तो इस पर चेंज नहीं करेगा, जिस जिस पर चेंज नहीं करेगा उसको मैं राउंड कर दूं, एन पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, जब मटेरियल चेंज होगा तो चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इन तीनों पर जिसको मैंने राउंड कर दिया इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो फर्स्ट आर प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो आपको पता है ये बात आपको पहले से भी पता है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीजेस, यदि हम क्या करेंगे लेंथ को, इसीलिए जब हम दूर तक करंट ले जाते हैं तो हम पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट वहां तक नहीं जा पाता ठीक से। नेक्स्ट इज आर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब यदि हम वायर को मोटा करते जाएं, इसीलिए जब दूर तक करंट ले जाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर तक करंट लाते हैं, देखो सर्विस वायर बहुत मोटे होते हैं, जो पोल में वायर होते हैं बहुत मोटे होते हैं, क्यों, दूर तक करंट ले जाना है, लेकिन घर में जो हम सर्विस वायर यूज़ करते हैं वो पतले होते हैं, क्लियर। या कहीं पर हमको एसी चलाना है, गीजर चलाना है, तो इलेक्ट्रिशियन देखा होगा आप लोग क्या करता है, वो ज़्यादा थिकनेस का केबल यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड इज आर, यहाँ पर देखो इस पर वो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, इनडायरेक्ट डिपेंड करता है, कैसे है थोड़ा आप समझना इसको अलग से, ये जो टा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर होता है, क्यों होता है, हम किसी कंडक्टर वायर के टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मैंने रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो जैसे कंडक्टर वायर को मैं गर्म कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और जाके जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब उनका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर आप देखो रिलेशन को कि ये जो रेजिस्टेंस है वो टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे कि हम किसी कंडक्टर वायर के टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर दें, हम वायर को गर्म कर दें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए आप अब देखे होगा कि समर टाइम में वोल्टेज प्रॉब्लम होता है, क्यों, क्योंकि पूरे सर्विस वायर केबल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्लियर। तो ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, देखिए ये दोनों फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स को हम कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, देयरफॉर दोनों को कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, ये हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो R इक्वल एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज रो, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया रो L अपॉन A, देयरफॉर रो इक्वल टू R इनटू A अपॉन L, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। अब इसको हमको डिफाइन करना है तो क्या करें अपन, सपोज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ वायर इज यूनिट देन रो इक्वल टू R, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, लेकिन कब, जब उस वायर का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 हो और उसका लेंथ भी क्या हो, 1 हो।
आप इमेजिन करिए कि मेरे पास ये मार्कर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ यूनिट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। आप उसको दिमाग में ऐसा रखिए, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, व्हिच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, हुज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ इज यूनिट। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज, यहां से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट इंपॉर्टेंट है इसका, देखिए ये यूनिट यहां से निकलेगा, यूनिट निकालने के लिए हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट मीन्स ओम इंटू मीटर। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टर, कंडक्टिविटी जस्ट क्या है, इसका रेसिप्रोकल है ये, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, तो इसका सीधा सा डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, क्लियर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/, इसका यूनिट पुट कर देंगे तो 1/ ओम इंटू मीटर, दैट मीन इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको ओम ने बहुत मजाकिया अंदाज में इसका नाम लिख दिया, क्या इसको उन्होंने बोला महो, ये महो के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसने अपने स्पेलिंग को ही बदल दिया, ओम को महो कर दिया। तो कभी भी किसी एग्जाम में व्हाट इज द महो इज द यूनिट आप बोले तो आप समझ जाना किसका है, कंडक्टिविटी का है, मतलब ये स्पेलिंग को ओम मीटर इनवर्स को उसने महो कर दिया, ये कैसे है, लेकिन हम इसको ध्यान रखते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्लियर। ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप यहां पर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का स्पेशली किस तरह से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर, देखिए यहां पर एक फार्मूला है, डायरेक्ट हम उसको यूज करेंगे, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + α t, ये एक फार्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + α t। यहां पर कौन कौन सा वेरिएबल क्या है ध्यान दीजिए, आर टी क्या है, टी टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, आर नॉट क्या है, 0 डिग्री पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, अल्फा क्या है, थर्मल रेजिस्टिविटी या थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, टी क्या है, टेम्परेचर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, दैट इंप्लाइज यहां इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा टी हो जाएगा, दैट इंप्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो आर नॉट इंटू अल्फा टी इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन यहां से आर नॉट इंटू टी ट्रांसफर कर दें, ये इसका फार्मूला होता है अल्फा का, क्लियर। अब यहां पर हम इसको अल्फा यहां पर कहलाता है थर्मल कोफिशियंट, ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हमको डिफाइन करना है, तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं इफ आर नॉट इक्वल टू 1 ओम एंड द टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। यहां पर देखिए हमने इसका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको यूनिट सपोज कर लिया, तो दोनों 1 1 हो गए तो अल्फा इक्वल इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान समझिए, हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम है, हमारे पास कोई कंडक्टर है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, हमने उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस में जितना इंक्रीज हुआ वो क्या कहलाता है, थर्मल कोफिशियंट ऑफ
रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm इन 0 degree Celsius इंक्रीज्ड बाई 1 degree Celsius। दैट मीन्स थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में उस चेंज के या उस इंक्रीज के इक्वल होता है जो 0 degree पर 1 ohm के रेजिस्टेंस के टेम्परेचर को 1 degree Celsius इंक्रीज करने पर होता है। यह कहलाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो कार्बन रेजिस्टेंस है वो हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन कवर होता है। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस नाम से क्लियर है कार्बन का बना हुआ होता है। ये इस तरह का होता है, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ऐसा होता है, इसके 2 terminals होते हैं ऐसे, और इसको कलर कोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, कलर कोड रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलर कोडिंग के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं ऐसा, ये ठीक है, वैसे तो इसमें 4 strip होते हैं, यहाँ पर मैं 2-3 कलर आपको शो कर दूँ, ये 4 colors के स्ट्रिप होते हैं, कलर ए बी सी डी, ये 4 colors के इसमें स्ट्रिप होते हैं। क्लियर। और ये जो 4 color की स्ट्रिप्स हैं सबके अपने अपने कोड होते हैं, अभी आपको कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। तो कोड ऑफ ए बी सी, ए बी और सी में जो स्ट्रिप होंगे वो ये जो मैं आपको कलर बता रहा हूँ उस कलर में से कोई भी कलर उसमें सेलेक्ट होता है। ठीक है, इसका मैं हिंदी में आपको एक अच्छा ट्रिक्स बता देता हूँ याद रखने का, का भूला ना पी हनी बैसलेस। यदि आप हिंदी में याद रखना चाहिए चाहें तो ऐसा रख लीजिए, और इंग्लिश में याद रखना है तो आपके बुक्स में दिया रहता है, लेकिन उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है इसलिए मैं उसको प्रीफर नहीं करता। वो है बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसमें सबके फर्स्ट लेटर को लेना है कि बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें 3 बार बी आता है। अब स्टूडेंट उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा बी ब्लू है, कौन सा बी ब्राउन है और कौन सा बी ब्लैक है। तो मैंने हिंदी मीडियम में एक स्लोगन बना लिया, का भूला मतलब क्या भूल गया, नापी हनी बैसलेस। और ये सीधा सीधा हिंदी में इसके कलर का नाम है, का मतलब काला, यहाँ पर मैं आपको कलर को लिख देता हूँ इंग्लिश में, ये हो गया ब्लैक, भूरा मतलब ब्राउन, लाल मतलब रेड, ना मतलब नारंगी ऑरेंज, इसके बाद पी मतलब येलो, नेक्स्ट इज ग्रीन, ह मतलब हरा, पीला, येलो, नी मतलब नीला, ब्लू, बै मतलब बैगनी वायलेट, स्लेटी मतलब ग्रे और सफ़ेद माने वाइट, ऐसा आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी आपके अपना तरीका, बी बी राय भी आप याद कर सकते हो। अब इसके कोड 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका कोड 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, 10 colors हैं, लेकिन कोड 9 तक होता है। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। अब सवाल है ये डी का, अभी तक ए बी सी के कलर ये 10 में से कोई होंगे, लेकिन डी का कलर इसमें से नहीं हो सकता। तो कलर ऑफ डी ये स्पेशल है, कलर ऑफ डी ये टॉलरेंस को शो करता है। अभी मैं कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। तो कलर ऑफ डी में 3 colors हो सकते हैं, फर्स्ट इज गोल्डन, गोल्डन कलर हो सकता है या सिल्वर कलर हो सकता है, और अब्सेंस ऑफ कलर हो सकता है। थर्ड, ये जो फोर्थ कलर है रहना जरूरी नहीं है, अब्सेंट भी हो सकते हैं। अब ये क्या शो करेगा, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब कितना ज़्यादा उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, टॉलरेंस का मतलब होता है कितना ज़्यादा कितना कम हो सकता है। तो गोल्डन कलर होने से ±5% या ±10% या ±20% का टॉलरेंस शो करता है। अब इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए कैलकुलेशन,
इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होता है, कैलकुलेशन R इक्वल टू ए बी इंटू 10 to the power c ओम प्लस माइनस डी परसेंट। अब यहां पर क्या क्या है, ए बी और सी इसके सिग्निफिकेंट नंबर हैं और प्लस माइनस डी। मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं तब आप समझ पाएंगे। सपोज एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई कार्बन रेजिस्टेंस है जिसमें ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और गोल्डन कलर के स्ट्रिप हैं। सपोज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा मैंने बनाया, वी हैव ए कार्बन रेजिस्टेंस, आप कलर रेजिस्टेंस ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड गोल्डन, देन कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये ग्रीन क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसके आप कोड को लिख लेंगे, आप चार्ट से देखिए ग्रीन का जो कोड है कितना है, 5 है, तो ग्रीन का कोड कितना हो गया 5, और बी ब्लू कलर है तो ब्लू का कितना होता है 6 होता है, तो इसका कोड कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद आप सी देखिए, सी क्या कलर है वहां पर, ब्लैक, तो ब्लैक का कितना है, ब्लैक का क्या है 0 है, ठीक है, तो आप उसको 0 लिख लोगे, नेचुरली आप इसको 0 लिख लोगे और ये होता है प्लस माइनस 5%। अब ये पूरा वैल्यू आप क्या करेंगे इस रेजिस्टेंस पे पुट अप कर देंगे, ये तो R इक्वल टू A के जगह में A का वैल्यू मतलब 5, B के जगह B का वैल्यू मतलब 6, 10 to the power 0 और ये ओम और प्लस माइनस 5%, दैट इक्वल 10 to the power 0 1 होता है, तो 56 ओम प्लस माइनस 5% इसका रेजिस्टेंस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, मतलब आप कार्बन रेजिस्टेंस अच्छे से तैयार कर लिए तो आप हमेशा श्योर रहिए कि आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे बन रहा है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसके बाद देखिए इसको मैं टू पार्ट में मेरे को इसको पढ़ाना है। सेकंड पार्ट में हम इसके किरचॉफ्स लॉ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग पढ़ना है। इसमें छोटा सा टॉपिक और है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 मिनट का टॉपिक है, आप 10th क्लास में उसको बार बार पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसको बता दूं सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला जो पोर्शन जो ओम्स लॉ पर बेस्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत छोटा सा है और 10th क्लास में आपने बार बार इसको पढ़ा है, एक्चुअल में इसको आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिविजन जैसे मैं करा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। कॉम्बिनेशन आर ग्रुपिंग ना ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यहां कंपेरेटिव बता दूं मैं, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको मैं कई बार बता चुका कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली फिगर किस तरह से बनेगा, सपोज एक रजिस्टर ये है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, करंट पास किया I, सब में I करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, कैपेसिटर का जैसे आप किए उसका जस्ट अपोजिट है ये। नाउ कैलकुलेशन इज टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इंप्लाइज ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो ये हो जाएगा I इंटू R, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, दैट इंप्लाइज दोनों साइड से I कॉमन होके कैंसल आउट हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में आप ध्यान रखना कि V कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर्किट किस तरह से बन जाएगा इसका, ये सर्किट ऐसा बनेगा, ये आपका एक रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये सपोज थर्ड रजिस्टर है, सबके टर्मिनल्स कॉमन होंगे इस साइड में और इस साइड में, और हम इसको इस बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ऐसा। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर 3 पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सपोज R1 से I1 पार्ट जाएगा, इसमें I2। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है बस कि यहाँ करंट कांस्टेंट है, देखिए
यहाँ पर करंट वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल करंट, टोटल करंट I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ I, I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, आई आर। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, V अपॉन R इक्वल टू वी वन सॉरी वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू, वी कांस्टेंट है, वी अपॉन आर थ्री, तो वी कांस्टेंट है, कैंसिल आउट होएगा, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप इसको कई बार पढ़ चुके, बहुत आसान है, मैंने एक रिवाइज करा दिया, क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है, पैरेलल का ये होता है। इस तरह से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं करंट के कॉन्सेप्ट से लेकर ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन का बेसिक है। 12th के सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन नियर अबाउट 85% इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, ये मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार करिए और आगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप बार बार क्लियर करिए, और लास्ट में मेरा सजेशन कि इसको आप बार बार रिवाइज करके इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी थोड़ा टच करिए। बाद में मेरा जो न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो होगा, उससे भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।